नगर परिषद कोठी के चुनावी परिणाम सामने आ चुके हैं। यहां पर कांग्रेस का वोट बनना तय हो गया है। कांग्रेस के 7 प्रत्याशी यहां से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशियों ने बाजी मारी है, जबकि 3 सीटें निर्दलियों के खाते में चली गई है। वार्ड नंबर 1 से ललताबाई कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विजय हुई है, उन्हें 207 वोट मिले हैं। इसी वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुमन बाई को 151 वोट मिले हैं। वार्ड नंबर 2 की कांग्रेस प्रत्याशी सीमा को 174 और भारतीय जनता पार्टी की पिंकी को 107 वोट मिले हैं। वार्ड नंबर 3 की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ऋचा को 305 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद को 255 वोट मिले हैं। इसी प्रकार वार्ड नंबर 4 के कांग्रेस प्रत्याशी सीमाबाई को 347 वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिओम को 169 वोट मिले हैं। वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस प्रत्याशी नगीराबाई 245 और भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र कुमार को 111 वोट मिले हैं। वार्ड नंबर 6 के कांग्रेस प्रत्याशी ऋतु वर्मा को 172 और निर्दलीय प्रत्याशी मंजूबाई को 137 वोट मिले हैं। वार्ड नंबर 7 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवकरण को 345 और निर्दलीय प्रत्याशी आशाबाई को 80 वोट मिले हैं। वार्ड नंबर 8 से कांग्रेस प्रत्याशी राजपाल को 219 वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी सुनील वर्मा को 181 वोट मिले हैं। वार्ड नंबर 9 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रीति को 220 वोट मिले हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी दीपा को 150 वोट मिले हैं। वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम को 193 वोट मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी मनीषा जैन को 163 वोट मिले हैं। वार्ड नंबर 11 के भाजपा प्रत्याशी मदन लाल को 106 वोट मिले हैं। कांग्रेस के सईद खां को 96 वोट मिले हैं। वार्ड नंबर 12 से निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा को 177 वोट और भाजपा प्रत्याशी शांता पटेल को 100 वोट मिले हैं। वार्ड नंबर 13 से भाजपा प्रत्याशी भाग्यश्री पटेल को 142 वोट और निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री बाई को 79 वोट मिले हैं। वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय प्रत्याशी सीमा को 180 वोट और भाजपा प्रत्याशी भूरी बाई को 153 वोट मिले हैं। इसी प्रकार वार्ड नंबर 15 से बबीता बाई निर्दलीय को 250 वोट और कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार बाई को 219 वोट मिले हैं। जिला